नमस्कार सत्यराम, मैं रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कस्टर्ड आइसक्रीम बताने वाली हूँ। तो कस्टर्ड आइसक्रीम के लिए हमने यहाँ पर लिया है ये कस्टर्ड पाउडर, जो कि वनीला फ्लेवर का है। आप कोई सा भी फ्लेवर यहाँ पर ले सकते हो। ये हमने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच लिए हैं। चीनी हमने लिए हैं यहाँ 1/4 कटोरी। वनीला एसेंस हम डालेंगे, आप चाहो तो ये अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा कस्टर्ड है वो वनीला फ्लेवर का ही है। यहाँ पर हमने टूटी फ्रूटी लिए, फॉल पेपर यहाँ पर लेंगे हम, और यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ में ले सकते हो। मैंने अवॉइड किया है, मैं यहाँ पर टूटी फ्रूटी काम में लूँगी। और इसके लिए हमें चाहिए मिल्क। तो अब हम हमारे मिल्क को गर्म करेंगे। गैस ऑन हमने कर लिया है और एक कढ़ाई हमने चढ़ा दी है। अब हम इसमें, ये मैंने 1/2 किलो दूध लिया है, तो इसमें हम दूध डालेंगे। थोड़ा सा दूध हम कच्चा रहने देंगे और इसको हमें थोड़ा सिम आंच पर, हमने इसको 1 उबाल आने तक हमें इसको पकाना है। दूध हमारा हो रहा है गाइस। इतनी देर में हम जो हमने हमारा ठंडा दूध निकाला था उसमें हम हमारे कस्टर्ड को घोलेंगे। देखिए, हमेशा आप गर्म दूध में कस्टर्ड को मत घोलना, क्योंकि इसे ठंडे दूध में घोलना चाहिए ताकि जो इसमें लम्स है वो ना बने। देखिए, हमने हमारे कस्टर्ड को अच्छी तरीके से घोल लिया है। देखिए, अब हम हमारे दूध को चेक करेंगे कि इसमें उबाल आया कि नहीं आया। देखिए गाइस, दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। ये देखिए, अब हम इसमें जो हमारा कस्टर्ड घोला था वो हम डालेंगे। गाइस, अच्छे से दूध में उबाल आ रहा है, ये देखिए। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। ये 1/4 कटोरी मैंने चीनी ली है। आप अगर और मीठा खाना पसंद करते हो तो यहाँ पर आप थोड़ी सी चीनी 3 या 4 टेबल स्पून और डाल सकते हो। फिर से हम इसको उबाल आने तक हिलाएंगे। चीनी डालने के बाद हमें लगातार इसको हिलाना है ताकि तले में जो दूध है वो लगे ना। चीनी डालने के बाद चांसेस ज़्यादा रहते हैं दूध लगने के तले में। फिर हमारी जो आइसक्रीम है उसमें जले जले की बदबू आती है। देखिए, 1 उबाल आने तक हम इसको हिलाएंगे। देखिए गाइस, इसमें चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम जो कस्टर्ड पाउडर हमने कच्चे दूध में मिलाया था वो धीरे धीरे हम डालते जाएंगे और दूध को हिलाते जाएंगे। देखिए इस तरीके से, फिर से थोड़ा सा डालेंगे, फिर से दूध को हिलाएंगे। एकदम से इसको नहीं डालना है हमें दूध के अंदर। देखिए, इसमें आप कलर भी मिला सकते हो, बट हमारा कलर ही इतना अच्छा आया है कस्टर्ड पाउडर का। ये देखिए, फिर अच्छे से हिलाएंगे। ये देखिए, इसको ये देखिए, कस्टर्ड पाउडर डालते ही कितना अच्छा कलर हमारे दूध का आ गया है। गैस को हम मीडियम ही रख रहे हैं।
तरीके से अच्छे से हम मिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अभी ये थोड़ा गाढ़ा होने तक हम इसी तरीके से हिलाते रहेंगे। ये देखिए अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है और इसको अब हम ठंडा होने देंगे। देखिए ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको हम किसी कंटेनर में डाल देंगे। ये देखिए इस टाइप का मैंने कंटेनर लिया है। देखिए इसको इस तरीके से हम बंद कर देंगे। अब हम इसमें हमारी जो आइसक्रीम हमने बनाई है वो इसके अंदर डालेंगे हम। ये देखिए इसको इस तरीके से हम टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाए और इसके ऊपर हम हमारी टूटी फ्रूटी डालेंगे। ये वनीला कस्टर्ड था हमारा इसलिए मैंने नहीं डाला ये। आप चाहो तो ये एसेंस आप डाल सकते हो। आप जब इसको बना रहे थे तब भी आप इसमें टूटी फ्रूटी बीच में डाल सकते हो और इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, बट मेरे बच्चों को ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है तो मैंने ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड करा है। ये मैंने फॉइल पेपर लिया है ताकि हमारी जो आइसक्रीम है वो अच्छे से जमे, इसके अंदर पानी इकट्ठा ना हो जब हम इसको फ्रीजर में रखें। इस तरीके से ये देखिए। और अब हम ऊपर से ये का ढक्कन लगा देंगे। अब गाइस हम इसको 6 से 7 घंटे फ्रीजर में रखेंगे। आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। तो अब हम इसको फ्रीजर में रख देंगे। देखिए गाइस ये फ्रिज में से मैंने निकाल लिया है। ओवरनाइट के लिए मैंने इसको रखा था फ्रिज के अंदर। अब हम खोल के देखते हैं। देखिए बर्फ ऊपर ही आई है। हम इसको खोलते हैं। ये देखिए जो बर्फ है वो अंदर फॉइल पेपर के ऊपर आ गई है सारी। देखिए आप ध्यान से ये देखिए इस तरीके से हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी है। देखिए बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है और अब मैं इसको भी सर्व करूँगी। कितनी आसान है ये बनाना और फटाफट ये बन गई है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये आप किसी चम्मच या स्कूप की सहायता से आप इसको निकाल सकते हो। हम स्कूप की सहायता से निकाल रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार है। आप खुद देख सकते हो स्कूप की सहायता से आप बड़ी आसानी से जो आपकी आइसक्रीम है वो आप निकाल सकते हो। देखिए आप केयरफुली इसको निकालिएगा। ये देखिए इसके ऊपर आप टूटी फ्रूटी लगा दीजिए या फिर आप चॉकलेट सिरप भी इसके ऊपर डाल सकते हो, बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हो। अरे देखिए कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट आइसक्रीम हमारी बनी है। ये देखिए और इस तरीके से आप बनाइए, खाइए, खिलाइए। ये देखिए
और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए और कितनी फटाफट ये बनी, कितनी इजी है और ज़्यादा सामग्री की भी इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि जो लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।